वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th बुक का ऑल फॉर्मूला बताने वाला हूं, वो भी चैप्टर वाइज। आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि चैप्टर वाइज फॉर्मूला नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पूरे फॉर्मूले बताने वाला हूँ क्लास 10th बुक के, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इन सभी फॉर्मूले को लिख लेंगे, चैप्टर वाइज लिख लेंगे, और आपके जिस चैप्टर में है उसके बुक के फ्रंट पे चिपका देंगे। जैसे कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो उसके फ्रंट में आप चिपका देंगे, ताकि जैसे ही आप लोग रिवीजन करें तो आपको फॉर्मूला एक बार याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सभी फॉर्मूले को लिख लेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देखिए, पहला आप लोगों का अध्याय है एक बहुपद। इसमें आपको तीन फॉर्मूले मिलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। दूसरा होता है शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए, और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल c बाई ए। ये आप लोग को तीन फॉर्मूला इससे याद करना है। अध्याय दो में आप लोगों के दो चरों का रैखिक समीकरण है, यहां से अद्वितीय हल होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है और अनेक हल होते हैं। ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद समीकरण निकाय के हल का प्रकार, देखिए ए बाई ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, ये अद्वितीय हल होगा। इज नॉट इक्वल का साइन ये है कि इक्वल नहीं है। दूसरा है ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ये इज नॉट इक्वल का साइन है। थर्ड है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये अनेक हल होगा। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अध्याय थ्री में, एक चर का द्वितीयक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण। पहला समीकरण का व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बराबर नहीं है जीरो के, ए बराबर नहीं है जीरो के। दूसरा सूत्र है सूत्र विधि या डी धराचार विधि, ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है, ये श्री धराचार्य विधि है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तीसरा है आप लोग का विविक्तकर विभेदक विधि, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। चौथा है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होती है, जब d बराबर जीरो होता है तो वास्तविक व समान मूल होते हैं, d बराबर प्लस होता है तो वास्तविक व असमान मूल होते हैं, और d बराबर माइनस होता है तो काल्पनिक व असमान मूल होते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी x इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का अध्याय चार का है समांतर श्रेणी, यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद जब भी ज्ञात करना हो तो a बेस में n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। अंतिम पद का होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये आसानी से आप लोगों को ये तो जरूर याद होने चाहिए, यहाँ के चार नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें आता है समांतर माध्य, समांतर माध्य ए बराबर होता है ए प्लस बी बटे दो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अध्याय छः में, अध्याय छः में हम लोगों का है मूल बिंदु जीरो जीरो होती है, ठीक है, एक्स निर्देशांक बराबर भुजा भुज और वाई निर्देशांक बराबर कोटी होती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिए इसमें पहले आप लोगों का ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसकी दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, देखिए इसकी दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ढाल या प्रवणता निकालने का है एम इज इक्वल टू होता है वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले पूरे क्वेश्चन जो IMP हैं, सैम्पल पेपर जो कि स्कूल द्वारा बनाए जाते हैं, उनको मैं अपलोड करता हूं, और स्कूल में जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीचर्स जाते हैं ट्रेनिंग में, उनको बताया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां थर्ड क्वेश्चन है रेखा का
समीकरण, तो यहाँ होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब अध्याय 8 में चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एवं कराधान। कराधान से आपका एक क्वेश्चन आता है, बैंकिंग से आपसे दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। पहला है आवर्ती जमा खाते में ब्याज, ब्याज बराबर पी गुणित आर बटे सौ गुणित एक बटे बारह एन एन प्लस वन अपन टू, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा है सावधि जमा खाता, ए बराबर पी वन प्लस आर बटे सौ ये पावर में एन मतलब टी या एन दोनों हो सकता है, टी मतलब टाइम होता है। अध्याय 9 है त्रिकोणमिति, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको ऐसे याद कर लें आप एल ए एल बटे के ए। ठीक है, लाल बट्टे कक्का ऐसे याद करने से लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, इसका उल्टा कर देंगे तो आपको कॉट सेक और कॉसेक का मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बराबर वन अपन कॉस थीटा बराबर वन अपन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर वन अपन कॉट थीटा बराबर वन अपन टेन थीटा, सेक थीटा बराबर वन अपन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर वन अपन साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चंस है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, फोर्थ इसमें फॉर्मूला है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ऐसे आप लोग सभी क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। देखिए त्रिकोणमिति सौर समीका क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। sin वहीं पे छोड़ दिए आप, 1 के माइनस में cos को लेकर चले गए तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। cos स्क्वायर थीटा का बनाना है तो cos को वहीं पे छोड़ दिए, sin को पश्चांतर कर दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब sec को अगर निकालना है तो tan को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब आपको cot का फॉर्मूला निकालना है तो cosec को उधर ट्रांसफर करना होगा। और ये त्रिकोणमिति सारणी है, इसको तो याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग 11 में अध्याय 11 में जाते हैं, आकृतियों का समरूपता। पहला आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये डी समांतर होगा बीसी के तब AD बटे AB बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, 15 चैप्टर 15 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए घन का है पृष्ठीय क्षेत्रफल शीर्ष कोर। ठीक है, घन में पृष्ठ कितने होते हैं, 6, शीर्ष होते हैं 8, कोर होते हैं 12। ठीक है, घनाभ में 6, 8 और 12 इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। अब हम लोग घनाभ को पढ़ने चलते हैं। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर। घनाभ का आकाशीय विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर धन ऊंचाई स्क्वायर। अब घन में आते हैं हम लोग, घन का पृष्ठीय विकर्ण होता है 2√a, घन का आकाशीय विकर्ण होता है 3√a। ठीक है, इस तरह आप लोग याद करेंगे, पूरे आपके बुक का ही है। ठीक है, बस मैं अलग से आपके लिए लिख दिया हूँ। बेलन का आधार की परिधि होती है 2πr, बेलन के आधार की क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, बेलन का वक्री पृष्ठ होता है 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का गोला के पास चलते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, गोले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ होता है πr स्क्वायर, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे के वीडियो का अपडेट के लिए जहाँ से आपको बोर्ड के एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलता है जिससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, समांतर माध्य आप जानते होंगे ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, x/n होता है इसका समांतर माध्य। यहाँ पे fx
एफ एक्स बाई ई एफ, है ना, ऐसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका, n बराबर विषम अगर हो तो n प्लस वन अपॉन टूवा पद, ठीक है, n प्लस वन अपॉन टूवा पद, ठीक है, अगर सम हो तो n अपॉन टूवा पद धन n अपॉन टू प्लस वनवा पद, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, अगर वो विषम हो तो। अभी सम विषम क्या होता है तो आप लोग गिनेंगे उसमें, अगर सात आता है तो विषम, आठ आता है तो सम, तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। माध्यिका एक निकालने का एक और फॉर्मूला होता है एल प्लस एन ओपन टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ठीक है। फिर बहुलक, बहुलक यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ठीक है। अब ऑल द बेस्ट आप लोग को एग्जाम के लिए, आगे के अगर किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं साइंस का आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, वो भी दो चार पाँच दस फॉर्मूला आपको याद करके जाना होगा, जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें।